इसी तरीके से हम कहानी, एक और कहानी है मैं आपको सुनाऊंगी, उसमें भी कहानी बहुत अच्छी है और आपको जो सीख मिलती है वो आप मुझे बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। कहानी एक जंगल की है। जंगल में एक शेर और एक शेरनी रहते थे। तो जंगल में शेर और शेरनी एक बार शिकार के लिए जाते हैं और उनका जो बच्चे हैं वो वहीं पर ही वो छोड़ जाते हैं। अब पीछे क्या होता है कि शेर के बच्चों को भूख लगती है, वो रोने लगते हैं। अब शेर के बच्चों को कौन क्या खिला सकता है, सब डरते हैं ना शेर के बच्चों से। तो वहीं से एक बकरी जा रही होती है, तो बकरी सोचती है कि हैं तो ये बच्चे ही जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ये बच्चे हैं, पर ये शेर के बच्चे हैं, क्या मैं इन्हें दूध पिलाऊं। लेकिन फिर उसे सोचती रहती है, लेकिन उसे बहुत तरस आता है उन बच्चों पर और वो उनको दूध पिला देती है। और शेर के बच्चे बकरी का दूध पी के पेट भर जाते हैं, खेलने कूदने लगते हैं। जब शाम में शेर और शेरनी आते हैं, वो देखते हैं कि अरे ये बकरी हमारे बच्चों के साथ क्या कर रही है। वो जैसे उसको मारने के लिए आते हैं, बच्चे एकदम से कहते हैं नहीं 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 नहीं, इसको नहीं मारना, इन्होंने तो हमें दूध पिलाया और हमारी जान बचाई है। फिर शेर जो शेरनी है वो बकरियों कहते हैं अब तुम आराम से जंगल में रहना और हम आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। फिर तो शेर में और बकरी में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि वो लोग साथ में ही खेला करते थे। कभी कभी तो शेर के बच्चों के ऊपर बकरी के बच्चे बैठ जाया करते थे और वो उन्हें सवारी कराते थे, और कभी कभी बकरी के कमर पे शेर के बच्चे बैठ जाते थे, वो उन्हें सवारी कराती थी। अब इस तरह से भाई बकरी का तो बड़ा रुतबा बढ़ गया जंगल में। सब लोग सोचते थे भाई ये बड़ी शेर की खास है, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। जब शेर को इतना खास देखा तो एक चील थी, उसे बड़ा लालच आया। इसने कहा ये तो बड़ी भैया बड़ा इसका नाम हो गया है और तो बड़ी खास हो गई, हम भी कुछ करते हैं। वो तो बकरी से आके पूछती है तुमने ऐसा क्या किया जो तुम इतनी अच्छी फ्रेंड हो गई हो भाई शेर की, हमें भी बताओ, हम भी कोशिश करते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, शेर के बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने दूध पिला दिया था, मैंने उनकी वक्त पर मदद करी, तो अब शेर मेरे साथ इसलिए इतना अच्छा सा बर्ताव करता है। अब चील सोचती है कि अब मैं भी किसी की ज़रूर मदद करूँगी, फिर इस तरीके से मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। एक बार क्या होता है कि चूहे थे उसी जंगल में, बहुत सारे चूहे थे और वो कीचड़ में फंस जाते हैं। अब वो चील ऊपर से जा रही होती है तो वो देखती है कि चूहे के बच्चे जो थे वो कीचड़ में फंसे हुए थे और परेशान हो रहे थे। तो चील सोचती है लो मैं भी इसके बच्चों को बचा देती हूँ, और वो जल्दी से उड़ के आती है कीचड़ में और चूहे के बच्चों को कीचड़ से निकालती है, उन्हें साफ़ करती है। वो ठंड से बहुत परेशान थे बच्चे, और चील अपने परों के नीचे उन बच्चों का रख के और उन्हें सहलाती है। बच्चे जो थे वो गर्माहट के अंदर सो जाते हैं। जब चील को बहुत देर हो जाती है तो वो सोचती है अब तो बच्चे सो गए हैं, चलो मैं अब उड़ जाती हूँ। जब वो उड़ने की कोशिश करती है तो उससे उड़ा ही नहीं जाता। सोचती है अरे मैं उड़ क्यों नहीं पा रही हूँ। जब वो देखती है तो पता चलता है कि चूहों के बच्चों ने उसके सारे के पर खा लिया। उसे तो बड़ा दुख होता है। वो कहती है मैंने भी तो मदद करी थी, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, बकरी ने भी तो मदद करी थी, उसके साथ अच्छा क्यों हुआ। वो बड़ा हुआसू होती है और बकरी के पास जाती है, तुमने भी तो मदद करी थी, तुम्हारे साथ तो बुरा नहीं हुआ, और मैंने भी तो हेल्प करी, मेरे साथ बुरा हुआ। तो फिर बकरी उससे कहती है कि तुमने मदद करी थी एक शेर की, है ना, वो इतना बड़ा था, जो इंसान ऊंचा होता है महान होता है वो अपनी मदद का बदला बहुत अच्छे से देता है, है ना, वो अपनी मदद का बदला बहुत अच्छे से देता है। मतलब अगर कोई इंसान बहुत महान है, चाहे वो कोई जानवर हो, अगर वो बहुत अच्छा है, अगर आप उसकी कोई हेल्प करते हो तो वो उसका बदला बहुत अच्छे से देता है। लेकिन तुमने मदद किसकी करी, चूहों की करी, और चूहा जो होता है वो बहुत ही मीन होता है, उसने सोचा वो तुम्हारी मदद को तुम्हारे एहसान को एहसान नहीं समझेगा बल्कि उसका बदला बेकार में ही देगा। इसलिए अगर मदद भी करो तो देख के करो, अगर किसी को ज़रूरत है मदद है तो ऐसी चीज़ की ज़रूरत करो, ऐसे की मदद करो जिसे असलियत में उसकी ज़रूरत हो और जो उसकी कदर भी करे, है ना। तो तुमने चूहों की मदद करी, चूहों ने उल्टा तुम्हारे साथ ही बुरा कर दिया, और मैंने किसकी मदद करी थी, मैंने शेर की मदद करी थी, तो शेर ने एहसान का बदला एहसान से दिया और अच्छे से दिया, लेकिन चूहों ने क्या किया, एहसान के बदले में उसका ही नुकसान कर दिया, है ना। कैसी लगी कहानी, अच्छी थी ना। तो इसलिए हमें हर जगह पर सोच समझ से करना